आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 5 मिनट भर 25 बड़ी खबरों में सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भूमि उपयोग नीति में बदलाव पर जताया एतराज, बोले लोगों के हित में नहीं। बीस दिसंबर से सुशासन सप्ताह की होगी शुरुआत, देश भर में लंबित नागरिक शिकायतों का होगा निवारण। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, गन्ना मूल्य में बंपर वृद्धि, नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी, लगातार गिर रहा पारा, तो प्रदूषण से भी दिल्ली एनसीआर परेशान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आत्मनिर्भर होगा देश, सेना के लिए उपकरण, हथियार और गोला बारूद का देश में ही होगा उत्पादन। शाहजहांपुर में पीएम मोदी बोले, आज यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अमेठी में राहुल गांधी व प्रियंका की हुई पदयात्रा, राहुल बोले पीएम मोदी ध्यान भटकाने में माहिर। अमित शाह की रैली में आरक्षण की घोषणा न होने पर नाराज है संजय निषाद, भाजपा को दिया अल्टीमेटम। यूपी में अखिलेश यादव के करीबियों पर आयकर का छापा, बिहार में लालू यादव की पार्टी भड़की। समाजवादी पार्टी छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा यादव बोली, भाजपा सरकार ने सपने दिखाकर छात्र छात्राओं को ठगा। नीदरलैंड में रविवार से सख्त लॉकडाउन, ओमिक्रॉन के साथ महामारी की 5वीं लहर आ रही है। विश्व को वुहान की असलियत बताने वाले उपन्यासकार पर चीन में गिरी गाज। मशहूर हस्तियों की लोकप्रियता से चिढ़ा चीन, सोशल मीडिया साइटों पर उनकी मौजूदगी को कम करने का चलाया अभियान। कराची में सीवेज लाइन में बड़ा विस्फोट, 16 लोगों की मौत, 15 घायल। अफगान राजदूत के इस्तीफे के बाद तालिबान ने फिर की संयुक्त राष्ट्र से सीट की अपील। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में होगी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की वापसी, दूसरे टेस्ट से हो गए थे बाहर। चेतेश्वर पुजारा ने दक्षिण अफ्रीका दौरे को लेकर किया बड़ा दावा, बताया कैसे भारत जीतेगा सीरीज। विराट कोहली को लेकर सौरभ गांगुली ने दी प्रतिक्रिया, कहा वो बहुत झगड़ा करते हैं। पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने दिया बड़ा बयान, शिखर धवन को वनडे टीम से बाहर तो किया नाइंसाफी। रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल को बनाया गया भारतीय टेस्ट टीम का उपकप्तान, कोहली का निभाएंगे साथ। मेगा बजट हिंदी फिल्मों ने साउथ इंडियन सीरीज पर बढ़ाया फोकस, 83 अतरंगी रे और ब्रह्मास्त्र साउथ के 4 भाषाओं में रिलीज। ईडी की चार्जशीट में खुलासा, सुकेत की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही लीना ने सारे सबूत किए डिलीट। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 होने पर बालिका वधू 2 की आनंदी यानी शिवांगी जोशी ने सरकार को कहा शुक्रिया। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने ओपनिंग में 52 करोड़ से अधिक की कमाई, सूर्यवंशी और स्पाइडरमैन को पीछे छोड़ा।
कंगना रनौत ने मनीहारी ट्रांसफर मामले में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशन कोर्ट में दी चुनौती। और इसी के साथ 5 मिनट 25 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।